अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन पे क्या क्या चेंजेस आती हैं, या फिर हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स के अरेंजमेंट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या खसूसियात होती हैं आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है एलिमेंट और सेकेंड टाइप है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जो कंपाउंड में जो एटम की डिफरेंट एटम की कम्बिनेशन होती है, ये हमारे पास किसके थ्रू होती है? हमारे पास केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो कोई नया केमिकल कंपाउंड बने या वो केमिकल कंपाउंड डिसोसिएट होकर ब्रेक होकर हमें एक नया सब्सटेंस दे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में या तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड होगा या फिर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा। दोनों डिकम्पोजिशन भी अगर हो या फिर फॉर्मेशन भी हो, दोनों केसेस में हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास जो है वो लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर है। जब इसको हीट किया जाता है तो हीटिंग के दौरान ये क्या देते हैं? हीटिंग के दौरान ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड की डिकम्पोजिशन हुई जिससे नए सब्सटेंसेस बने। इसी तरह जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकल कम्बिनेशन करते हैं, तो वो एक नया सब्सटेंस देते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? या तो डिकम्पोजिशन होती है या फिर द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस होते हैं जिसके रिजल्ट में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, हम दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिएक्टेंट एंड सेकेंड टर्म है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में? रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस और कंपाउंड विच कंबाइन विद ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट जो है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे। यानी कि अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कार्बन और ऑक्सीजन जो है, ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट्स कहाँ पे मौजूद होंगे? प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो सब्सटेंसेस राइट साइड पे होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स आर द न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस एंड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है, रिस्पायरेशन या फिर जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड को देखें तो जो फूड हम ले रहे हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें नए प्रोडक्ट देते हैं। यानी कि अगर हम ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में डिकम्पोज होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड और वाटर देगा। इसी तरह फोटोसिंथेसिस भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट जो है अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रिपेयर करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि ग्लास, रबर, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन जो है, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। इसके साथ साथ जो लाइमस्टोन है, एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो लाइमस्टोन है जब उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो हीटिंग के दौरान ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर हीटिंग के दौरान इस कंपाउंड की डिकम्पोजिशन हो रही है तो हम इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, अब केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट जो है उसमें चेंजेस आ जाती है, वो अपने अरेंजमेंट को चेंज करके हमें एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड कम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर ब्रोकन एंड न्यू कम्बिनेशन आर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, टू और मोर एटम्स। देखिए सर, अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है वो कब बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल कम्बिनेशन करते हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है H2 वो मिलकर बना है दो हाइड्रोजन एटम से। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर बना है दो ऑक्सीजन एटम से। यहाँ पे हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट है और ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डेड हैं। लेकिन अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है वो H2O है, जो कि मिलकर बना है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से। तो क्या होता है, इस दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है और वापस में न्यू कम्बिनेशन से, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक नए तरीके से अरेंज होकर हमें एक नया सब्सटेंस देते हैं। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या खसूसियात होती हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गया है। केमिकल रिएक्शन के दौरान डिफरेंट चेंजेस आते हैं, यानी कि या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस रिलीज होगी, जैसे कि अगर हम कंबशन अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास पॉसिबल है कि कोई कोई गैस रिलीज़ हो। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंसेस में। चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन में ये भी पॉसिबल है कि जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है वो कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बने जिसका कलर जो है वो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस से बिल्कुल चेंज हो। यानी कि अगर हम आयरन की एग्जांपल लें, जब आयरन को हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं, खुली हवा में रखते हैं, तो उसको जंग लग जाता है। अब ये जंग क्यों लग जाता है, जंग जो है ये एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में होता है। जब आयरन एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड जो है हमारे पास जंग है, कोरोडेड आयरन है, इसका कलर क्या होता है, हमारे पास ब्राउन इन कलर होता है। तो चेंज इन कलर यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज कलर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, बाज़ औक़ात केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, यानी कि जब हम लाइम को चूने को पानी में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है इसके दौरान, यानी कि क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान पॉसिबल है कि किसी भी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं उनका टेम्परेचर रिएक्टेंट से
चेंज हो। इसके साथ साथ क्या प्रॉपर्टी हो सकती है केमिकल रिएक्शन की के चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, यानी कि जो रिएक्टेंट होंगे वो अलग फिजिकल स्टेट में होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उनका फिजिकल स्टेट चेंज होगा रिएक्टेंट से। जैसे कि वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो गैसीय स्टेट में है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसीय स्टेट में है जब वो केमिकल कम्बिनेशन करते हैं तो वाटर बनाते हैं जो कि लिक्विड में होता है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमारे पास चेंज इन फिजिकल स्टेट भी हो सकता है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, हमने एग्जांपल पढ़ी केमिकल रिएक्शन की, इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, और उसके साथ हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। थैंक यू।